क्या आपको पता है क्रिकेट में थर्ड अंपायर सबसे पहले किस बैट्समैन को आउट का डिसीजन दिया था? और क्या आपको पता है एक ही बार में सबसे ज्यादा पुशअप मारने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? और क्या आपको पता है पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली प्रोडक्ट कौन सी है? और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो कि अर्थ से सैटर्न की रिंग को देख सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आप एक ही बार में बिना रेस्ट लिए कितना पुशअप मार सकते हो? शायद 10, 50, 100 या फिर 1000 तक पुशअप तो मार सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है एक ही बार में नॉनस्टॉप पुशअप मारने का रिकॉर्ड जापान के मिनोरू ओशिता के नाम पर है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने साल 1980 में लगातार 10,507 पुशअप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। क्या आप इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे? कॉमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है जापान के लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो लोग सिग्नेचर के जगह एक तरह का स्टाम्प का इस्तेमाल करते हैं जिसे हाको या इनकान कहते हैं। बेसिकली ये स्टाम्प उड़न या प्लास्टिक का होते हैं जिन पर जापानीज के नाम लिखे होते हैं। फैक्ट नंबर 13, आपको तो पता होगा कि हर के इंसान की फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होती है, और क्या आपको पता है आपके जीभ यानी कि टोंग की निशान भी यूनिक होती है, यानी कि हर के इंसान की टोंग की प्रिंट एक दूसरे से अलग होती है। फैक्ट नंबर 12, भूत प्रेत और आत्माएं ये सब एक तरह की मिस्ट्रेस चीजें होते हैं जिन पर कोई बिलीव करता है तो कोई नहीं करता है, पर क्या आपको पता है थाईलैंड के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब टाइप का मान्यता होता है। थाईलैंड में कई लोग भूत प्रेत से बचने के लिए अपने घर में भूत प्रेतों के लिए एक एक्स्ट्रा रूम बनवाते हैं ताकि भूत प्रेतों बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उस रूम में शांति से रह सके। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है पूरे हिस्ट्री में आज तक कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है? जी हाँ दोस्तों, एप्पल आईफोन, रूबिक क्यूब और हैरी पॉटर बुक दुनिया के सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स है। क्या आपको ये फैक्ट्स इसके पहले तक पता था? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है प्रोग्रहन एंटेलोप जानवर का एक ऐसी प्रजाति है जिनकी आंखों का विजन किसी अन्य जानवर के विजन से 10 गुना ज्यादा होती है, और ये प्रोग्रहन एंटेलोप एक क्लियर नाइट में धरती से सैटर्न की रिंग को देख सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोग्रहन एंटेलोप दुनिया के सेकंड फास्टेस्ट लैंड एनिमल है जो कि 60 माइल पर हावर के रफ्तार से भाग सकती है। और आपको बता दें कि दुनिया के फास्टेस्ट लैंड एनिमल की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है चीता जो कि 61 माइल पर हावर के रफ्तार से भाग सकती है। फैक्ट नंबर 9, आपको तो पता ही होगा पृथ्वी पर आने वाले भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं, और क्या आपको पता है मून यानी कि चांद पर आने वाले भूकंप को मूनक्वेक कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर आप क्रिकेट का फैन हो तो आपको तो पता ही होगा कि थर्ड अंपायर क्या होता है, पर क्या आपको पता है थर्ड अंपायर के डिसीजन पर आउट होने वाला दुनिया का पहला बैट्समैन कौन थे? जी हाँ दोस्तों, थर्ड अंपायर के डिसीजन पर आउट होने वाला दुनिया का पहला बैट्समैन और कोई नहीं थे बल्कि क्रिकेट का गॉड सचिन तेंदुलकर ही थे। फैक्ट नंबर 7, अगर कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर जाना चाहता है तो उसे वीसा की जरूरत पड़ती है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। यहाँ तो कि इंडिया का फर्स्ट रेसिडेंट प्रेसिडेंट को भी वीसा की जरूरत पड़ती है, पर क्या आपको पता है इंग्लैंड की क्वीन क्वीन एलिजाबेथ 2 को कहीं पर जाने से वीसा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पूरे वर्ल्ड की हर जगह बिना वीसा के विजिट कर सकती है। फैक्ट नंबर 6, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, ये पोएम हम बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या आपको पता है मोर्सकीपर फिश मछली का एक ऐसे प्रजाति है जो कि ये पोएम को गलत साबित करता है, क्योंकि मोर्सकीपर फिश पानी में रहने के साथ साथ जमीन पर भी चल सकती है। इतना ही नहीं, ये मछली पत्थर और पेड़ पर भी चढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप सभी को तो डॉग्स के वफादारी के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि डॉग्स टाइम आने पर अपने मालिक के लिए जान भी दे देते हैं, इसलिए डॉग्स की ये वफादारी और दोस्ती को ट्रिब्यूट देने के लिए नेपाल में एक डॉग फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे लोकल लैंग्वेज में कुकुर तिहार के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, तस्वीर बहुत कुछ कहता है, ये सेंटेंस शायद ही आपने कई बार सुना होगा। क्या सच में तस्वीर कुछ कह सकता है? जी हाँ दोस्तों, तस्वीर बहुत कुछ कह सकता है। जरा ये इमेज को ध्यान से देखो, ये इमेज में इतने सारे रिंग्स क्यों है? आपके दिमाग में शायद आता होगा कि ये रिंग्स किसी दुकान का हो सकता है जो कि बेचने के लिए यहाँ रखा गया है, पर सच तो कुछ और है। ये सारे रिंग्स किसी की वेडिंग रिंग है तो किसी की एंगेजमेंट रिंग है। दरअसल ये सारे रिंग्स उन लोगों की है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए, और ये रिंग्स उनकी डेड बॉडी से निकाला गया है। मतलब ये कितना सैड फैक्ट है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है एक उल्लू अपने पैरों को क्रॉस करके एक इंसान की तरह जमीन पर बैठ सकता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जब एक बेबी पैदा होता है तो उसकी लंग्स प्योर पिंक कलर की होते हैं, पर जब ये बेबी धीरे धीरे ब्रीथिंग में पोल्यूटेड एयर को लेती है तब धीरे धीरे पिंक कलर डार्क होने लगती है। फैक्ट नंबर 1, आप जो ये इमेज को देख रहे हो आपको ये किसी मॉन्स्टर जैसा दिखाई दे रहा होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक चिट्टी का इमेज है जो कि एक माइक्रोस्कोप से लिया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक चिट्टी माइक्रोस्कोप में कितनी खतरनाक दिखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन रखना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।